अरे अभी इतनी जल्दी? हाँ, ऐसे ही अपना इसी में कर लेंगे बातचीत। तो कैसा चल रहा है अच्छा, ओवरऑल, क्या क्या मतलब, कौन सी कंपनी है दोबारा बताओ एक बार। remix.ai, remix.ai, ओके, और उसमें हाँ फाउंडिंग इंजीनियर का रोल, मतलब बिल्कुल फाउंडर वाला कुर्सी ले लिया भाई ने। हाँ है, अच्छा, हाँ वेरी नाइस। तो क्या क्या बना रहे हो, क्या क्या कर रहे हो रिमिक्स में। तो रिमिक्स एक ML इंफ्रा कंपनी है. सो ये टूल्स बनाती है ML इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. सो जैसे कि आई थिंक फ्यूचर वहाँ पे जाएगा. जैसे डेविन सुना होगा, डेविन जो है जो ऑटोमेट कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को. बट लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑटोमेट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल है. देयर विल बी अ ह्यूमन इन द लूप. सो हम क्या कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं कि उसको हम ऑटोमेट कर दें, एंड देयर विल बी अ ह्यूमन कि वो टूल्स को यूज करके वो लेगो बनाएगा. लाइक लेगो जो हम ब्रिक्स नहीं बनाते हैं, देन कंस्ट्रक्ट करते हैं उस चीज को. सो वो हार्डवेयर टूल्स, नो, लेगो जैसे होता है ना, लेगो यू हैव लेगो मतलब एक खिलौने, खिलौने होते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर में ही. रेफरेंस दे रहे हो। अच्छा, हाँ रेफरेंस। हाँ रेफरेंस. तो वो तो वैसे ही हम मतलब सॉफ्टवेयर में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स टूल्स बना रहे हैं जिससे कि ऑटोमेट कर सके प्रोसेस को. और बस आप जो है क्रिएटिविटी में और जो है बिल्डिंग में काम करो, रादर देन कि वो जो छोटी मोटी चीजें हैं जो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्केलिंग में और सब चीजों में जो डेवलपर फंस जाता है. तो हम उसको थोड़ा सा ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपर जो है फोकस करे पूरा का पूरा बिल्डिंग में जो चीज वो बिल्ड कर रहा है. गॉट इट। अच्छा, थोड़ा इससे हल्का सा पहले जाते हैं, और बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई भाई, क्योंकि काफी अर्ली स्टेज स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं एक अर्ली एज में, तो कैसी जर्नी रही है ओवरऑल अभी तक की, वो बताओ हर्ष भाई। हाँ, तो जर्नी स्टार्ट हुई थी मतलब जब मैं 12 साल का था तब मैं कोडिंग स्टार्ट किया था. तो हाँ, हाँ 12 साल में तो भैया हम उससे खेल रहे थे, क्या कहते हैं, मारम पिट्टी और छुपन छुपाई मैं भी वही खेल रहा था. ऐसा नहीं है कि वो मैं कोडिंग के डिफरेंट था, साथ बस साथ। थोड़ा सा टाइम बच गया. तो काफी चीज मतलब उस छुपन छुपाई के साथ साथ, क्रिकेट के साथ साथ जो टाइम बच गया उसमें कोडिंग कोडिंग कर कौन लिया. से स्कूल से, स्कूल में करते थे कि घर पे। स्कूल में तो नहीं करते थे, स्कूल में तो ऐसा नहीं था कोई कोर्स वगैरह, मतलब सब्जेक्ट वगैरह नहीं था. तो घर में मतलब ऐसे ही क्या था, मेरे नेबर में कोई पास में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला, उसका नाम था नेक्स्ट जेन. तो वहां पे मैंने मतलब थोड़ा क्यूरियोसिटी थे मेरे को पहले से नई नई चीजें सीखने की. तो मैं चला गया, मैं कहा कि कुछ ऐसा कोई कोर्स वगैरह, कंप्यूटर कोर्स वगैरह दो मेरे को सिखाओ. तो उनके पास था एक सी और सी प्लस प्लस का कोर्स, तो मैंने ले लिया. तो फिर मतलब वहां से मतलब जर्नी स्टार्ट हुई. वहां से 2-3 महीने सीखा, 3-4 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया कोर्स को. एंड देन आगे फिर मैं अपना जो इंटरेस्ट मेरे को जगा वहां से, तो मेरे को मैंने खुद से जो है वहां से यूट्यूब से बुक्स पढ़ के पाइथन वगैरह, न्यू लैंग्वेजेस, AI ML सब मतलब सीख गया. ओके, तो पाइथन वगैरह से स्टार्ट हुई थी मोस्टली, सी या सी प्लस प्लस से स्टार्ट हुई थी. तो सी बट और सी पाइथन प्लस प्लस से पूरा समझ में आया जो AI ML हाँ सारी हाँ चीजें पाइथन में होती हैं। तो पाइथन से फिर मैंने खुद से पाइथन सीखी. फिर पाइथन सीखने के बाद फुल स्टैक किया, मतलब ऐसा जावास्क्रिप्ट सीखी, फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट किया, थोड़े फ्रीलांस किए. मतलब जब मैं स्कूल में था 10th 11th में, तो थोड़े फ्रीलांस वर्क कर लिए वगैरह वगैरह, थोड़े पैसे कमा लिए वहां से. तो वैसे वैसे स्टार्ट हुआ. फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा कि ये जो फुल AI है, बिकॉज मेरे को मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था. तो AI में क्या रहता है, मैथ्स हैवी रहता है आपका, मैथ्स जो है उसमें ज्यादा है. तो मेरे को थोड़ा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो ये थोड़ा कनेक्ट बैठ रहा था कि ठीक है, हाँ मैथमेटिक्स भी है और लाइक जो AI है वो इस तरह वर्क कर रहा है और फ्यूचर भी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं. तो फिर मैं मशीन लर्निंग में जाने लगा. तो मशीन लर्निंग में उस समय बहुत कम रिसोर्सेस हुआ करते थे, और यूट्यूब में तो बहुत ही कम थे उस समय मशीन लर्निंग के. तो उसके लिए मेरे को लाइक ई बुक्स वगैरह पढ़ने पड़े, आर्टिकल्स पढ़ने पड़े. फिर इसके बाद ऐसे करके स्टार्ट किया, और फिर मतलब स्किल्स बढ़ाते गए उसी एरिया में. लाइक कि जैसे मॉडल कैसे बिल्ड होता है, मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है, न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे बनाते हैं, तो फाइन ट्यून कैसे करते हैं. तो मतलब वो सब चीजें जो है बुक्स से मैंने सीखी, फिर कुछ यूट्यूब से मैंने सीखी. और
ऐसे ऐसे करते करते मतलब जो भी बिल्डिंग्स ब्लॉक होते हैं मशीन लर्निंग के वो सीख गया। और मैं क्या था कि मैं जब भी सीखता था कोई चीज तो उसको यूट्यूब में अपलोड करता था, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसके अराउंड लाइक 1.3 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो सब मैं डालता रहता था, तो बहुत सारे लोग देखते थे, मतलब जैसे कोई फाउंडर है या फिर कोई भी उस फील्ड में इंटरेस्टेड है वो तो देखेगा ही। तो रिसेंटली मतलब आई थिंक 2022 में एक फाउंडर ने देखा एंड रीच आउट टू मी कि भाई ये तो तुमने अच्छा बनाया। एक मैंने योगा का बनाया था, योगा क्लासिफायर, तो उसने देखा कि बहुत अच्छा बनाया है। तो फिर मतलब वहां से बात हुई, तो मेरी फर्स्ट कंपनी वहीं पे थी, मतलब वहां उसमें मैं गया Voice.AI। तो ऐसे मतलब करके अपॉर्चुनिटी मिली, जब फर्स्ट कंपनी में गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनीज में मैं जाते रहा। फिर मैं गया Ergon AI में, फिर Ergon AI में काम किया, फिर उसके बाद सेक्टा में गया, सेक्टा में काम किया, एंड देन नाउ फाउंडिंग इंजीनियर इन रिमिक्स। वेरी नाइस है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि मशीन लर्निंग वगैरह तो काफी मतलब एक आपको बहुत इसमें घुसना पड़ता है अच्छे से। आई थिंक बहुत हाँ ज्यादा हाँ बहुत हैवी फील्ड है। हाँ, सरफेस लेवल तो बिल्कुल नहीं है। मैंने करी हुई है काफी, अपने 5-6 साल पहले मैंने भी करी थी काफी, और मुझे उतना इंटरेस्ट आया नहीं कभी भी ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मतलब चीजें बनाने का ज्यादा मन कर गया उस टाइम पे। बहुत ही बढ़िया। तो अगर किसी बिगनर को एडवाइस देनी हो हर्ष भाई कि यार कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक अगर मशीन लर्निंग डेटा साइंस AI में अगर घुसना है तो कैसे स्टार्ट करें मशीन लर्निंग, तो वो क्या होगा? जीरो टू हीरो अगर रोड मैप अगर मैं पूछूं किसी के लिए तो वो तो क्या है? जीरो टू हीरो रोड मैप है कि एक मैं बुक सजेस्ट करूंगा, वो जरूर उसको पढ़ना, वो है डीप लर्निंग फॉर कोडर्स। एक जेरेमी हावर्ड है, जेरेमी हावर्ड बहुत ही फेमस पर्सन है AI ML में। तो वो मतलब उसका यूट्यूब चैनल भी है और उसने एक ये बुक भी लिखी है। तो उसका यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा मतलब रिसोर्सफुल है, मतलब उसने अभी पहले नहीं था, पहले तो वो बुक्स आई थिंक उसने राइट की थी, फिर अब उसके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी है। तो Voice.AI में भी वो दिख रहा है मेरे को। हाँ, तो उसका मैं सजेस्ट करूंगा। तो वो क्या है कि आप ना मशीन लर्निंग लोग स्टार्ट करते हैं पहले मैथमेटिक्स सीखना, फिर उसके बाद पाइथन सीखना, लाइक डेटा साइंस की तरह वो समझते हैं लाइक। बट क्या है कि आज की जो मशीन लर्निंग है वो है प्रोडक्ट बेस्ड मशीन लर्निंग। आपको पहले सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग और प्रोडक्ट बिल्डिंग, कि आपको क्या मतलब कैसे चीजें काम कर रही हैं, ओवरव्यू ऊपर ऊपर समझना होगा। तो ऊपर ऊपर जब आप समझ जाओगे कि मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, फिर आप डीप में घुसो। तो पहले ब्रेथ समझो फिर डेप्थ समझो, तो ये मेरा जो है सजेशन रहेगा। तो ऐसे ही वो जो डीप लर्निंग फॉर कोडर्स है वो बुक पहले जो है आपको ऊपर ऊपर का चीजें बताएगी कि कैसे मतलब आप प्रोग्रामिंग पाइथन से जो है कैसे बना सकते हो। पहले कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या काम कर रही है, बट आप तब भी उसको यूज करते हो, उस फंक्शंस को यूज करते हो, उस जो लाइब्रेरी को यूज करते हो बनाते हो, देन आप जो है घुसते जाते हो घुसते जाते घुसते जाते हो, फिर आपको समझ में आने लगता है चीजें। हाँ, मशीन लर्निंग आई थिंक मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मशीन लर्निंग पे है कि फॉर द एवरेज पर्सन इट इज नॉट मतलब सूटेबल, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ घुसना ही पड़ेगा। मतलब आपको, क्योंकि बोरिंग भी है काफी ना आज की डेट हाँ में, है बहुत ना। आप इंस्टाग्राम उठा लो, है ना, कुछ चल रहा है, आप इधर उधर अगर आपका ध्यान जा रहा है तो बड़ा मुश्किल है वो मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स और वो सारी चीजों में घुसना ना, थोड़ा सा मतलब एवरेज आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। इवन मैंने भी जब पहले करा था CNN, ये वो जो भी चीजें मेरे को याद आ रही हैं, वो बड़ा मतलब ऐसा हो जाता था कि उसमें थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, ओपन एंडेड जिसे हम कहते हैं, कि यू हैव टू फाइंड योर ओन सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि ChatGPT पे लिख दिया और वो सारा कुछ आपको दे हाँ देगा, ओपन एंडेड और थोड़ा सा वो है। तो वेरी नाइस। तो अच्छा, कोई तो अभी मतलब कॉलेज वॉलेज का कोई सीन नहीं है? हाँ तो अभी तो मैं मतलब मैं रिसेंटली 19 का हूँ, तो वेरी नाइस। आई थिंक मैं जब 12th में था तो मेरे को ऑफर मिल गया था कंपनी से। 12th जैसे ही स्टार्ट की थी तो फिर मैं स्कूल और कॉलेज, स्कूल और जॉब जो है ये साथ में मतलब लेके चला। एंड देन फिर जैसे जैसे स्विच किया डिफरेंट कंपनीज में, फिर मेरे को लगा कि हाँ मतलब ये मैं न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ अपने से और नई कंपनी में जा सकता हूँ। तो आई थिंक आई हैव राइट अमाउंट ऑफ स्किल कि अब जो है इस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं और फुल फोर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं।
क्योंकि आई थिंक कि कॉलेज में फिर जाने से आपको 4 साल लगेंगे, फिर 4 साल तक आपको, राइट? तो अभी इतना अच्छा चल रहा है तो इसको फुल फोर्स के साथ करते हैं। नहीं, इसी को कंटिन्यू करो हर्ष भाई, हम तो साथ ही हैं आपके। और अच्छा, इसमें एक और चीज है मेरे दिमाग में कि बहुत सारे लोग ना डाउट करते हैं बिल्डिंग इन पब्लिक को, एंड बड़ी शर्म भी आती है लोगों को बताने में, है ना, कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाया। मैं बहुत इसका एडवोकेट हूँ बहुत सालों से, यू नो, एज यू नो, कि पोस्ट करो कुछ भी है अंदर, तो पोस्ट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो आप लर्न कर रहे हो, है ना, यू हैव टू पोस्ट दोस थिंग्स की मेरे को ये चीजें आती हैं, पोस्ट करो। उसका कितना फायदा मिला है? ऑब्वियसली मिला ही है, यूट्यूब वगैरह से सब कुछ है, बट उस पर कितना एम्फोसिस है? और क्या बोलोगे कि अगर यू नो कोई स्टार्ट कर रहा है तो किस तरीके से वो एक अपनी लर्निंग बिल्डिंग इन पब्लिक की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है? तो बिल्डिंग इन पब्लिक तो बहुत जरूरी है, लाइक इन 2024 तो मस्ट है, कि बिकॉज क्योंकि कंपटीशन फर्स्ट इतना ज्यादा है। आप जो है ऐसे सोच नहीं सकते कि आपके पास डिग्री है एंड देन यू सबमिट एप्लीकेशन तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, वो तो वेरी वेरी लो चांसेस है। तो बिल्डिंग इन, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया है तो वो मैंने यूट्यूब बनाया, यूट्यूब में अपलोड किया ट्यूटोरियल्स वगैरह को। तो मेरे को लगता है कि जब आप पब्लिक में बिल्ड करते हो तो आप बहुत सारी अलग स्किल्स भी सीखते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखते हो, आप एक्सप्लेन करने की स्किल्स सीखते हो, ठीक है, आप जो है शेयरिंग्स की और जो है टीम वर्क की भी आप स्किल सीख ही जाते हो क्योंकि आप उस चीज को शेयर कर पा रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग स्किल्स भी आप उसके साथ साथ सीखते हो, और जो है जो आप अपलोड करते हो, जो आप शेयर करते हो, उसको लोग देखते हैं, उसको लोग देखते हैं तो आपको जानेंगे कि आप कितने अच्छे डेवलपर्स हो, आपको फॉलो करेंगे उसके हिसाब से। तो जब आपको कोई जानेगा कि आप कितने टैलेंटेड हो तभी तो आपको कोई जॉब देगा, अगर आपको कोई नहीं जानेगा तो कैसे आपको जॉब मिलेगी। मतलब अगर आपको, मेरे को लगता है कि अगर आपको शो ऑफ करना है तो शो ऑफ योर वर्क, ठीक है, आप शो ऑफ कितना, जितना आपका टैलेंट है उसको कितना शो ऑफ कर सकते हो, ये सोशल मीडिया में आपको ये करना चाहिए रादर देन की पोस्टिंग की कॉफी पीने जा रहे हैं उसको पोस्ट करो, राइट? करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही बात है। आई थिंक थोड़ा सा लोगों ने बिल्डिंग इन पब्लिक नया है बहुत ना इंडिया में, आई थिंक हाँ इसकी वजह से भी थोड़ा सा। बाहर तो बहुत कॉमन है, बाहर तो इवन सारी चीजें बड़ी कॉमन है कि जो आपको आता है आप उसको बिल्डिंग इन पब्लिक से स्टार्ट करते हो, फिर लोग उसका कोर्स बनाते हैं, फिर उसकी बुक बनाते हैं, सारी चीजें बाहर तो बड़ी कॉमन है, इंडिया में थोड़ा सा टैबू है इस चीज में, शर्म आती है लोगों को। बट एनीवेज, अगर मैं ये बोलूं कि यार जैसे बाहर फ्रीलांसर्स बहुत सारे मेरे साथ भी काम करते हैं जो बाहर कंपनियों में काम कर रहे हैं ना, और इसमें दो मेजर इश्यूज हैं जो भी कंपनीज को फेस हो रही है। मैं भी इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट बना रहा था पीछे, जो मैं हमने फेस करी बड़ी मेजर, कि फर्स्ट इज द बिग कम्युनिकेशन गैप, राइट? देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप कि लोगों को इंडिया में पता ही नहीं है कि ढंग से कैसे एक तरीके का कॉन्वर्जेशन होल्ड करना है, या काफी प्रॉब्लम्स हमने देखी है कि मे बी इंग्लिश की भी हो सकती है थोड़ी बहुत, मे बी थोड़ा कम्युनिकेशन इन जनरल भी हो सकता है कि क्या आपको देना है, यू नो एग्जैक्टली क्या क्या परफॉर्म करना है। सेकेंड चीज जो मैंने देखी वो ये देखी कि एग्जैक्टली क्या है कि जो स्किलफुल वर्क है, क्योंकि बाहर के जो रिमोट कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट योर स्किल कि क्या आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, नहीं बना सकते, आपको ऑन पेपर क्या आता है, सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, कॉलेज कौन सा है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप आई थिंक आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें क्या एक ओवरव्यू बताओ भाई कि कैसे, मतलब एक यू नो अगर हमें इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्ट बनाना है, या अगर रीच आउट अगर किसी से करने हैं, या फाउंडर से बातें करनी है, तो क्या ऐसी एक दो चीजें अपने एक्सपीरियंस से हो सकती हैं जो हेल्प करेंगी? हाँ, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइक कि जैसे कि आपने कहा कि जो न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो ब्लॉकचेन में, जो एआई में, वो क्या है कि वो उसकी डिमांड ज्यादा है और जो है टैलेंट कम है। बिकॉज आपको जो कॉलेज रहता है, कॉलेज की डिग्री है, सर्टिफिकेट्स तो वगैरह भी है, आते वो ही नहीं है। आपके, हाँ वो आपके जो बेसिक स्किल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जो आपको सिखा दिया डीएसए सिखा दिया, जो मतलब जो मोस्टली सब लोग जानते हैं, लेकिन जो डेप्थ, जो उसका डीप नॉलेज है, जैसे मैंने कहा एआई में बहुत डीप जाना पड़ता है, ब्लॉकचेन में भी वैसे ही है, बहुत डीप जाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आपको जो है ना, एक तो बिल्ड इन पब्लिक आपको शेयर करना पड़ेगा अपनी नॉलेज वगैरह को, और जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आपकी बहुत जरूरी है इसमें। तो आप जितना ज्यादा नेटवर्क कर पाओगे लोगों से, कॉन्फ्रेंसेस में जाके आप जुड़ पाओ, और जितना ज्यादा आप जो है लिंक्डइन में जुड़ पाओ, जितना ज्यादा आप जो है फाउंडर्स वगैरह या फिर कोई भी आपके उस एरिया में, एमएल में या ब्लॉकचेन में जो भी डेवलपर्स हैं उनके साथ जुड़ पाओ,
तो क्या रहेगा कि आपका एक प्रोफाइल बन जाएगी और एक नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपका एक नेटवर्क है बहुत ज्यादा, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आराम से आपको मिल जाएगी। आपको कोई फाउंडर को आप जानते हो, जैसे कि आपका एक नेटवर्क है कि आप 10 फाउंडर को जानते हैं, उसने रिसेंटली एक न्यू कंपनी स्टार्ट की और वो टैलेंट ढूंढ रहा है, तो आप रीच आउट कर सकते हो कि हाँ आई थिंक कि आई कनेक्टेड यू देयर इन दैट कॉन्फ्रेंस, तो अगर मतलब अगर मेरा प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपका इवेल्युएशन होगा उसके बिहाफ में, फिर मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अपॉर्चुनिटी बहुत है, लाइक अबेंडेंस है इस चीजों की। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं 2024 में ये कि जॉब मार्केट खराब है, बट अगर आप देखोगे तो वो मोस्टली है, लाइक बिग टेक का है, बट जो अपॉर्चुनिटीज है, लाइक स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटीज है, जो भी अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज है। वो ऐसा नहीं है कि उसका जो पैकेज है बहुत ज्यादा कम है, वो एक रीजनेबल अमाउंट का पैकेज है। अगर आपके पास, अगर आप प्रूव भी कर देते हो कि आपके पास बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज है, तो आपको उसके हिसाब से पैकेज मिलेगा। तो आई थिंक कि डेफिनेटली आपको जो है इस नेटवर्क करना चाहिए, शेयर करना, पब्लिक पब्लिक में आपको जो है अपना वर्क जो है शेयर करना चाहिए, और जितना ज्यादा आप जो है उस चीज को शेयर कर पाओगे, उतना ज्यादा आपसे लोग कनेक्ट होंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए, प्रोजेक्ट्स जो है बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपके पास अगर 10-15 प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या होता है कि अगर आपको जैसे एक कंपनी है, स्पेसिफिक कंपनी कोई उस रिकमेंडेशन सिस्टम में काम कर रही है, तो अगर आपने 10-15 प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बना लिया, आपने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना लिया, आपने जो है एक म्यूजिक प्लेयर बना लिया जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम से काम करता है, आपने अलग चीजें बना ली जैसे कि दूसरे ब्लॉकचेन वाले प्रोजेक्ट बना लिए आपने, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बना लिए, तो आप क्या है कि आप उस जैसे आप अपने रेज्यूमे को चेंज कर सकते हो कि ठीक है ये कंपनी रिकमेंडेशन सिस्टम वाली है, तो मैं इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना रखूं कि ये मेरा एक रिकमेंडेशन सिस्टम है, तो वो आपको देखेगी कि आपने पहले ऐसे ही बना चुका है, तो आपके हायर चांसेस है कि आप जो है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। तो मैं तो यही कहूंगा, प्रोजेक्ट जितने ज्यादा बना सकते हैं, जितने डिफरेंट फील्ड्स में बना सकते हैं, उतने बनाइए। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नहीं, प्रोजेक्ट अब तो बचा ही नहीं है, छोटी मोटी चीजें तो चैट जीपीटी कर देता है यार। और जो बेसिक रिएक्ट और इसमें फंसे हुए हैं लोग, ये तो बहुत ही बेसिक है। आई थिंक वेदर ऐप बनाना और ये आज के लिए चल रहा है, बट वेरी नाइस यार ग्रोथ देख के। और कोई चीज दिमाग में जो डिस्कस कर सकते हैं अपन? आई थिंक सारे मेन टॉपिक तो कवर हो ही गए हैं, और कोई? हाँ, और क्या डिस्कस कर सकते हैं? आप बताइए, आप क्या आप नहीं, कॉलेज भाई गया ही नहीं है। कॉलेज का क्या पूछे भाई, कॉलेज से पहले मचा रहा है। बाकी ये है कि मेरे को इंडिया में बड़ा मन है हेल्प करने का ना, डेवलपर्स को रिमोट जॉब के लिए। मैं बना रहा हूँ एक सिस्टम, बट जितने भी फाउंडर्स से यहाँ पे मैं बात करता हूँ ना, उनको एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं ओवरऑल जो मैंने देखी, जो कि फेस करनी पड़ेंगी। कि एक तो कंप्लायंस और बैकग्राउंड चेक्स हैं, वो तो क्लियर हो रहे हैं, Deel.com और एक दो कंपनीज आ रही हैं, बट जो मेजर मैंने देखा है वो दो ही है। कि एक क्वालिटी ऑफ वर्क थोड़ा सा अभी डिप्लीटिंग है, वो इंडियन डेवलपर्स को थोड़ा सा बकल अप करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स। लाइक अच्छी आती है, बट हाँ फिर भी एक लेवल के ऊपर जब आप चले जाते हो तो अबव एंड बियॉन्ड कितना जा सकते हो, आई थिंक वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि स्टार्टअप्स एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं नए लोगों को लाने के टाइम पे ना, दैट्स व्हाई कि इवन जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं स्टार्टअप्स में, वो भी रेकमेंड करते हैं कि उन्हें आप मत करो हायर यंग लोगों को, आप मतलब सीनियर्स को ही हायर करो, क्योंकि आप डेफिनेटली अभी पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये प्रोडक्ट मार्केट फिट और वो सारी चीजें ढूंढनी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना राइट हो कि राइट 9 महीने लग गए प्रोडक्ट बनाने में, इतने में तो मतलब खत्म ही हो जाएगा अरीना। तो दे ऑल्सो एडवाइस की हायर सीनियर, तो स्टार्टअप हायर करते ही नहीं है जूनियर्स को, यू नो बहुत ही कम, अनलेस आपके पास एक्सपीरियंस डेफिनेट हो। वेरी हार्ड टू गेट हायर्ड एट स्टार्टअप्स दीज डेज, 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बिना, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस स्पेस में फॉर श्योर, बट बहुत सारे लोगों की लग भी रही है इंडिया में। मैंने देखा इंटर्न्स लग रहे हैं बहुत सारे, अर्ली स्टेज पे यू नो काम मिल रहा है उन्हें, नॉट मे बी वेरी हाई पेइंग, बट दे आर स्टार्टिंग एट 10-20-30 के पर ईयर। आई थिंक दैट्स ऑल्सो मोर देन इनफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, है ना, वो भी अच्छा खासा है। क्योंकि इंडिया के हिसाब से तो डेफिनेट घर से काम कर रहे हो, है ना, तो आई थिंक दोज आर प्रीटी गुड नंबर्स।
बढ़िया, आई थिंक बहुत अच्छा लगा यार हर्ष भाई जर्नी देख के। और कुछ और दिमाग में आ रहा है जो कर सकते हैं डिस्कस, कोई और सवाल जवाब? आई थिंक काफी लंबा तो हो हाँ, जाएगी। तो ये जैसे कि आपने कहा कि इसमें स्टार्टअप्स का कि हायर कर रहे हैं, इसमें फ्रेशर्स को नहीं हायर कर रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि क्या रहता है कि आपको प्रोडक्ट स्क्रैच से बनाना रहता है। लाइक बिग टेक में तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ टाइम लग गया, आपको सीनियर गाइड करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन स्टार्टअप में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको खुद से लाइक सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, और जो है आपको प्रोडक्ट स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। तो वो उन्हीं लोग को हायर करेंगे जो मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें क्यूरोसिटी ज्यादा है, उनकी पैशन ज्यादा है, पैशनेट ज्यादा है उस चीज में, और उस प्रोडक्ट को बना सके फ्रॉम स्क्रैच, राइट। सो अगर जैसे मेरी बात है तो आई एम लाइक वेरी यंग, बट एट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक कि ठीक है, हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच बना सकता हूँ। प्रोजेक्ट्स इतने बना चुके हैं, तो प्रोजेक्ट्स इसीलिए मैटर करते हैं कि वो आपको देखते हैं कि ठीक है, आपने कुछ स्क्रैच से बनाया है कि नहीं, आपने कुछ फ्रॉम जीरो टू लेकर के आपने वो डिप्लॉय किया है कि नहीं, आपका कुछ प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, स्टार्टअप्स में मुश्किल है जाना, क्योंकि आपका कभी कभी स्टार्टअप्स जो है कुछ ऐसा भी करते हैं कि डीएसए राउंड कर लिया, और वो साथ साथ आपका प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं। वेरस की जो आपका बिग टेक्स है उसमें आई थिंक कि मोस्टली आपका डीएसए मेन फोकस रहता है। तो आई थिंक कि मेरा भी यही ऐसा प्रयास रहता है कि जो भी डेवलपर्स हैं इंडिया में, आई थिंक कि मैं अभी रिसेंटली बैंगलोर में था, तो उसमें भी जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाता था, तो उसमें भी मैं देखता था कि लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं इंडस्ट्री में घुसने का, और जो है तो मेरा भी यही रहेगा आई थिंक कि मैं भी इस वजह से जो है अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो करूँ। तो अगर आप जो है यूट्यूब चैनल मेरे नहीं जानते तो आर्यन भाई जो है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे हाँ, यूट्यूब टाइटल में का ना लिंक, और इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है मैं दे दूंगा। तो इंस्टाग्राम जो है मैंने बिल्कुल अभी इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता नहीं हूँ, बट आई थिंक मैं अपना थोड़ा ऑडियंस उसमें बढ़ाऊँ कि पॉसिबली जितने ज्यादा लोग को हेल्प कर पाऊँ। हाँ, इंस्टाग्राम थोड़ा सा कैजुअल प्लेटफॉर्म है। आई थिंक यूट्यूब पे थोड़ी ज्यादा सीरियस ऑडियंस है। बट हाँ हाँ, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। वी नीड मोर पीपल लाइक यू। सोशल मीडिया पे तो स्पेशली चाहिए, क्योंकि वो ये कि आई थिंक फ्रीलांसिंग वगैरह भी ना एक बजवर्ड बन गया है इंडिया में ना, रिमोट जॉब एंड फ्रीलांसिंग एंड यू नो। बट उसके पीछे की कहानी इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ मतलब एक्सपीरियंस और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए। 2-3 साल चाहिए आपको, बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, बड़े प्रोडक्ट चाहिए। और 3-4 लोग अभी जस्ट मेरे फ्रेंड की कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक वेब का स्टूडियो है, और वो भी मतलब ऐसे ही हायर करता है कि यू नीड हैवी हैवी टेक प्रोजेक्ट्स। और अब क्या है कि जमाना डेफिनेटली थोड़ा चेंज हो गया। पहले क्या होता था, इवन स्टार्टअप से पहले ना हल्का सा रिलैक्सेशन होता था कि फ्रंट एंड का बंदा है, डिजाइनिंग का बंदा है, प्रोडक्ट मैनेजर भी होते थे। तो पहले आज से 10-12 साल पहले स्टार्टअप जो थे ना, वो क्या करते थे, 5 से 6 लोगों की टीम बना के चलते थे। वो 5 से 6 आज 2 पे आ गया है ना। तो फ्रंट एंड से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो डिजाइनिंग भी करे, प्रोडक्ट मैनेजर से एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड नो हाउ टू टेक लीड द टेक आल्सो, टेक लीड भी बन जाए हाँ, वो, और क्या। है ना। वो टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। फिग्मा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फिग्मा आता है तो आप मुंह उठा के आ जाओगे। आपको फिग्मा के साथ थोड़ी बहुत कोडिंग, डिप्लॉयमेंट, है ना, क्यूए टेस्टिंग, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। तो वो 6-7 बंदों से कम हो गया, 2 से 3। और अब तो ये भी कह रहे हैं लोग कि 1% है ना, 2% यूनिकॉर्न की और बातें क्या, भी हो रही हैं। वन तो परसेंट बिलियन डॉलर कंपनी। बिल्कुल, और अभी हमने देखा है कि 3% बिलियन डॉलर कंपनी तो वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, जो हाँ, SSI उन्होंने लॉन्च करी, राइट SSI राइट के SSI के 3 लोगों ने बिलियन इलिया डॉलर की। तो, हाँ, फंडिंग ही उठा लिया बिलियन की, तो पता नहीं कितने हाँ, बिलियन की तो उन्होंने मार वैल्यूएशन तो उससे भी ज्यादा होगी। हाँ, अब मैं उनकी वैल्यूएशन आ रही है कुछ, आई डोंट नो, 25-30 की तो आई गेस रखी होगी कुछ ना कुछ। बट हाँ, 1 बिलियन की फंडिंग उनकी डे वन पे है। मिड जर्नी की सेम स्टोरी है, 3% टीम स्टार्टेड, ग्रो इन टू 10, दे आर नॉट हायरिंग, इट्स वेरी शॉर्ट स्मॉल टीम, फ्लटर प्रो इज अ स्मॉल, वेरी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जिनसे मैंने बात करी हुई है, वेरी वेरी स्मॉल टीम्स एंड दे डोंट एक्सपैंड एट ऑल। तो इवन बिगर कंपनीज लाइक वर्सेल मतलब यूनिकॉर्न्स यूनिकॉर्न्स ही एक्सपैंड नहीं कर रहे आप देखो ना। तो टाइम इज हार्ड, मैं ये कहता हूँ कि बहुत मुश्किल टाइम है ये। यू हैव टू बी इन द 1%, आई थिंक दैट इज द ओनली आंसर। आप एवरेज जो हम पहले चल जाता था, पहले चलता था भाई, 15 साल पहले जितने लोगों ने काम करा है वो ये बोलते थे कि हमें कंप्यूटर साइंस आती है, तो उन्हें रिक्रूटर गले से पकड़ के ले जाता था कि चलो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर हाँ, रहे हो, काम करो, राइट राइट जॉब करो, आओ हमारे साथ।
बट अब क्या है कि आप अभी आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी है, आप अभी 15 मिनट में बना सकते हो, राइट? टेन बिल्कुल मिनट्स में यू बिल्कुल कैन स्पीड रन अ फुल स्टैक ऐप विद फायरबेस और वट एवर, राइट? तो चीजें चेंज हो गई हैं काफी, बट यू नो आई थिंक यूट्यूब पे आओ भाई, इंस्टाग्राम पे आओ, मेक मोर वीडियोज अबाउट फ्रीलांसिंग, अबाउट रिमोट जॉब्स, अबाउट यू नो वर्किंग एज अ फाउंडर, फाउंडिंग इंजीनियर हो, आई थिंक काफी वो मिलेगा लोगों को, है ना, काफी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो या मैन, आई थिंक यू डेफिनेटली। शुड ज्वाइन, एंड आई थिंक थैंक यू रैपअप कर भाई। सकते हैं अपन, है ना, यहाँ पे। हाँ हाँ रैपर, थैंक यू। ओके।